आज जन आक्रोश रैली निकाला जा रहा है किसानों के विरोध में, जिस तरह से सीएम के काफिले को रोका गया उसको लेकर के। और एक सवाल है सर कि बीजेपी कह रही है कि जिस तरह से 31 दिसंबर तक 3000 क्विंटल धान खरीदने की बात हो रही थी मगर 425 क्विंटल खरीदा गया है, और उधर आप किसान की बात करते हैं। देखिए, हमने जो क्रय केंद्र खोले हैं पिछले बार जो उन्होंने क्रय केंद्र खोला था उससे ज़्यादा है कि नहीं, आप उस पर जाके देखें। स्थिति कोरोना की है, लोग गाइडलाइंस हैं, घरों से निकलने में अभी भी लोगों को असुविधा है, तो इसको लेकर। लेकिन हमने जो टारगेट दिया वो टारगेट हर हाल में हम पूरा करेंगे, इससे हम भागने वाले नहीं हैं। और जो लोग हमें आईना दिखाते हैं उनको खुद अपने ग्रेवा में झांकने की ज़रूरत है। किसानों के लिए उनके दिल में तब दर्द जगता है जब चुनावी वर्ष आता है, अभी वो मदहोश सोए हुए हैं। 70 दिन हो गए आंदोलन को, सैकड़ों लोग शहीद हो गए किसान, सरहदों पर 40 किलोमीटर दूर लाखों परिवार उनसे न्याय की गुहार लगा रहे हैं और उनका नींद नहीं टूटता है। सुप्रीम कोर्ट तक संज्ञान लेता है, कमेटी बनती है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के प्रवक्ता बयान देते हैं, कनाडा के 36 सांसद लिखित उनसे इस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, जो इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज है उनका जब कमेंट आता है तब यहाँ के लोगों का ध्यान टूटता है। तो आप देश के अंदर जो हो रहा है उसे दिखाना क्यों नहीं चाहते, उसे देखना क्यों नहीं चाहते, महसूस क्यों नहीं करते? किसानों की आहें अभी आपको सुनाई नहीं ना दे रही है? आप अपने आप को जो इस देश का विजेता मान चुके हैं पूर्णकालिक, ये विश्व विजेता सिकंदर का भी घमंड यहाँ टूटा था। मोदी जी, आप किसानों की दर्द को आप अनदेखी कर रहे हैं, उनकी आहों को नहीं सुन रहे हैं, आपको बहुत महंगा पड़ेगा। और ये जन आक्रोश रैली जो लोकतंत्र पर हमला करने का काम, चाहे दिल्ली के लाल किला में षड्यंत्र के तहत किया गया हो या फिर झारखंड में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर किया गया हो, ये उसी पार्टी की सोची समझी चाल है जिसने इस देश को बेचने का पूर्णतः ठेका ले लिया है। 70 सालों की कमाई 7 सालों में बेचने का काम जो ये कर रहा है, इसकी हम निंदा करते हैं। और ये तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे जब तक किसानों के हित में इन कानून को जो थोपा गया है उसको वापस नहीं ले लेते हैं। जिस तरह से बाहरी लोगों का ट्वीट है उसके बाद कह रहे हैं, यहाँ से बीजेपी कह रही है कि ये हमारे घर का मुद्दा है, बाहरी लोग इंटरफेयर इसमें ना करें। सुप्रीम कोर्ट क्यों किया? पहले घर के बात में आओ। आपसे 40 किलोमीटर दूर लोगों की जानें जा रही हैं और आप तारीख पे तारीख दे रहे हो। सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है इस मैटर में? आप यदि जन भावनाओं का आदर करते तो सुप्रीम कोर्ट क्यों आता? ये तो उन्हें मैं धन्यवाद देता हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जिन्होंने संज्ञान में लिया। और शर्म आनी चाहिए इन्हें, विदेश के लोग, यहाँ के मूल के लोग वहाँ नहीं रहते क्या? उन्हें अपने लोगों की फिक्र नहीं है, उन्हें हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सेंटीमेंट जता रहे हैं कि देश में जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। ये बातें बाहर कहाँ से जा रही है? कुछ यहाँ घटित हो रहा है लोगों के साथ तब तो। और इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार और कोई नहीं, आप और आपकी सरकार है मोदी जी, और आपके ही कारण देश की ये फजीहत पूरे विश्व के पटल पर हो रही है।